बीसीसीआई ने की कंफर्म, सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ के इंग्लैंड जाने की तारीख। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपडेट चैनल स्पोर्ट एंड क्रिकेट में। इस सत्र में आपको क्रिकेट से बड़ी खबर बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आपने चैनल फाइव नहीं किया, चैनल फाइव पहले कंपेस्ट कीजिए ताकि वीडियो मिल सके। मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई ने पूरी तरह से कन्फर्म किया कि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव कब इंग्लैंड जाएंगे। और बात की जाए तीन नेगेटिव टेस्ट लेने के बाद अब बीसीसीआई ने पूरी तरह से कन्फर्म किया, आज यानी पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है कि दोनों खिलाड़ी आज इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। अगर बात की जाए तो अब उसके बाद तीन दिन का वहां पर हार्ड क्वारंटीन करने के बाद टीम के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बीसीसीआई ने कंफर्म किया कि आज सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर कर निकल के आ रही है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर बात की जाए तो बाय बबल ब्रेस करने के बाद यानी अगर बात की जाए श्रीलंका के तीन खिलाड़ियों को श्रीलंका वापस से भेजा गया था। लेकिन अब श्रीलंकन क्रिकेट ने पूरी तरह से कंफर्म किया है कि गुनातिलका, कुशल मेंडिस और नवरोशन डिकविला तीनों खिलाड़ियों के लिए को पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि एक साल के लिए पूरी तरह से बैन कर लिया। अगर बात की जाए तो पूरी तरह से अब आने वाले समय में यानी जुलाई 2022 तक वो क्रिकेट में खेलते हुए नहीं दिखेंगे और तीनों खिलाड़ी अब एक साल के लिए पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। उन तीनों खिलाड़ियों को अब बैन लग चुकी है। सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर का होकर कब निकल के आ रही इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल के बात की जाए तो बेन स्टोक आने वाले समय में क्रिकेट में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इन्हें अगर बात की जाए तो बेन स्टोक ने कंफर्म किया कि वो एक दो महीने के लिए क्रिकेट से रेस्ट लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि फिलहाल अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के खिलाफ जो पाँच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी उसमें वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में अगर बेन स्टोक खेलते हैं तो उसके बाद इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन फिलहाल बुरी खबर कि पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। सबकी बड़ी खबर। और बेन स्टोक ने पूरी तरह से कंफर्म किया है कि वो आने वाले समय में क्रिकेट में खेलते हुए नहीं देखेंगे, यानी एक दो महीने पूरी तरह से उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने छुट्टी ली। सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर का होकर हम निकल के आ रही है केविन पीटरसन के औसत की बड़ी खबर। केविन पीटरसन के मुताबिक बेन स्टोक ने जो रेस्ट लिया यानी अगर बात कीजिए इंडिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में, उनके मुताबिक जब वो वापस आएंगे वो पूरी तरह से फिट होंगे। उनके मुताबिक आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम को बहुत ही ज़बरदस्त फायदा देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अगर बेन स्टोक ने ये दो महीने रेस्ट लिया तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उनके मुताबिक ये बहुत ही बेनिफिट उनके लिए होगा। और अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम को बहुत ही ज़बरदस्त फायदा देंगे, ये कहना है केविन पीटरसन का। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल फाइव की बटन पर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो मिल सके। थैंक यू।